दरभंगा के मुक्ति धाम में घुसा बाढ़ का पानी, अब शहरी इलाकों में नाले के रास्ते बाढ़ के पानी का प्रवेश। पिछले कई दिनों से रुक रुक कर हो रही मूसलाधार बारिश के बाद जहां एक और उफनाई जिले की नदियां कुछ ग्रामीण इलाके में कहर बरपा रही है, वहीं दूसरी ओर शहरी इलाके जल जमाव ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। पिछले दो दिनों से बारिश थमने के बाद निगम प्रशासन ने राहत की सांसें ली है, इसके बावजूद शहरी क्षेत्र के निचले इलाके की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही है। बागमती नदी के किनारे रह रही आबादी नदियों के जलस्तर में लगातार हो रही वृद्धि से बाढ़ की आशंका को लेकर दक्षता में है। शहरी क्षेत्र के कई इलाके में नदियां से जुड़े स्लुइस गेट के बंद कर देने के बाद अब निगम प्रशासन के सामने शहरी क्षेत्र की समस्या आन पड़ रही है। इस बीच गुरुवार को भिवर स्थित मुक्ति धाम शमशान भूमि बागमती के पानी में पूरी तरह डूब गई, हालांकि स्थिति नियंत्रण में बताई गई है। दरभंगा प्रमंडल में आए बाढ़ का मुख्यमंत्री ने लिया जायजा, बोले पीड़ितों को तुरंत मिले हर प्रकार की सहायता। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सभी अधिकारियों से कहा कि बाढ़ पीड़ितों की हर प्रकार से मदद करनी है। सभी डीएम को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि हवाई सर्वेक्षण कर अपने अपने जिले के सभी इलाकों की जानकारी ले और उसके आधार पर आकलन करे। मुख्यमंत्री ने ये बातें दरभंगा मधुबनी और समस्तीपुर जिलों के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण के बाद अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कही। नियमों को दरकिनार कर LNMU में कराए जा रहे 2.56 करोड़ के काम, चहेतों को दिया ठेका। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में अपने चहेते को लाभ देने के लिए प्रशासनिक स्तर पर नियमों की अनदेखी की जा रही है। 6 जून को विश्वविद्यालय की ओर से प्रकाशित 2.56 करोड़ की निविदा पर सवाल खड़े हो गए। इस मामले में शिक्षा विभाग गंभीर हुआ है, मामले में कुल सचिव से जवाब मांगा जा रहा है। गोल्डन जुबली वर्ष में तैयार होगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय का लोगो। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय की स्वर्ण जयंती और ललित नारायण मिश्र की 100वीं जयंती को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के कोर कमेटी की बैठक हुई। बैठक को संबोधित करते हुए कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि विश्वविद्यालय स्थापना दिवस के अवसर पर गोल्डन जुबली वर्ष का उद्घाटन किया जाएगा। टिकट दलालों के खिलाफ झंझारपुर व दरभंगा में छापेमारी, 4 गिरफ्तार। दरभंगा रेलवे सुरक्षा बल RPF के निरीक्षक ब्रजेश कुमार के नेतृत्व में टिकट दलालों के विरुद्ध झंझारपुर व दरभंगा में छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 4 टिकट दलाल की गिरफ्तारी हुई। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। अगस्त में मनेगा CM कॉलेज का स्थापना दिवस। CM कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में गुरुवार को विभाग अध्यक्षों की महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया कि आगामी अगस्त में महाविद्यालय की स्थापना दिवस समारोह का वृहत आयोजन किया जाएगा। कॉलेज की स्थापना 15 अगस्त 1937 को हुई थी। मुख्य कार्यक्रम 14 से 16 अगस्त के बीच होंगे। 16 अगस्त को समापन समारोह का आयोजन किया जाएगा। LNMU संबंध कॉलेज कर्मियों ने VV में दिया धरना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के धरना स्थल पर बिहार प्रदेश संबंध महाविद्यालय संघर्ष समिति के तत्वावधान में 903 मांगों के समर्थन में गुरुवार को धरना दिया गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता सीनेट से विदत परिषद सदस्य डॉक्टर शंभू नाथ ठाकुर ने की। धरने में विश्वविद्यालय से संबंध महाविद्यालयों से काफी संख्या में शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कई वक्ताओं ने अपनी 903 मांगों के समर्थन में विचार रखे तथा विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द इसके क्रियान्वयन के लिए सहमति व्यक्त की। कुल सचिव ने धारणार्थियों से वार्ता करने के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बुलाया। DMCH ऑर्थो विभाग में शुरू हुआ ऑपरेशन। DMCH के ऑर्थोपेडिक विभाग में करीब 2 महीने के अंतराल के बाद आखिरकार मरीजों का ऑपरेशन गुरुवार को दोबारा शुरू हुआ। लंबे इंतजार के बाद ऑपरेशन होने से मरीजों व उनके परिजनों ने राहत की सांस ली। बताया जाता है कि गुरुवार को 5 मरीजों का ऑपरेशन हुआ। बिहार से दिल्ली जा रहे हैं तो पढ़ ले ये खबरें, नहीं तो हो सकती है परेशानी। सगौली मछोलिया रेलखंड के मध्य रेल पुल पर आया बाढ़ का पानी, दिल्ली की दूरी बढ़ा रहा है। रेलखंड पर बाढ़ का पानी आने से नरकटियागंज रूट में कोई ट्रेन नहीं जा रही, इसलिए मोतिहारी बेतिया के लोग मुजफ्फरपुर आकर दिल्ली जाने वाली ट्रेन को पकड़ रहे हैं। पानी आने से मुजफ्फरपुर से आनंद विहार जाने वाली सपत क्रांति एक्सप्रेस हाजीपुर छपरा के रास्ते जा रही है। ट्रेन बंद होने से नरकटियागंज जाने वाले लोग बस पकड़कर अपने घर पहुंच रहे हैं। बेटे ने पिता को पीट पीट कर मार डाला। नालंदा में कलयुगी बेटे की करतूत, जमीन के लिए पिता को पीट पीट कर मौत के घाट उतारा, अब फरार। नालंदा के राजगीर थाना क्षेत्र के हसनपुर गांव में जमीन विवाद में गुरुवार को एक कलयुगी बेटे ने अपने पिता को
पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में मां ने ही अपने बेटे पर एफआईआर दर्ज कराया। धन्यवाद, आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।